अरशद आपका फिजिक्स टीचर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेस्ट नंबर सेवन को और टेस्ट नंबर सेवन बेस करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पर जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स मैग्नेट इज मूव्ड एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ टू मीटर पर सेकेंड टुवर्ड द्वाइल ऑफ वायर विच इज कनेक्टेड टू अटर द मैग्नेट इज नाउ विद्रॉ सेम पाथ हेट फोर मीटर पर सेकेंड द डिफ्लेक्शन ऑफ द गिल्वानोमीटर इज इन अब देखिएगा पहला केस क्या है फर्स्ट केस में यह कहा गया कि एक बार मैग्नेट जो है वो किसी क्वाइल ऑफ अ वायर जो गिलवानोमीटर के साथ अटैच की गई है मूव कर रहा है विदीड टू मीटर पर सेकंड ऑब्वियसली इसमें ई एम एफ इंड्यूस होगी वो लीड करेगी इंड्यूस करंट को गिलवानोमीटर में डिफ्लेक्शन करंट को बता रहा होगा लेट्स सपोज डिफ्लेक्शन टू राइट आ गई अगर हम इसे विड कर ले मतलब विद्रॉ करने का है हम इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हुई है तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड पर आ जाएगी पहली बात दूसरी बात यह है कि बताया गया कि यहां पर जो हमारे पास स्पीड है विद स्पीड जो है वो फोर मीटर पर सेकेंड है इसका मतलब है स्पीड पहले से क्या कर दी गई डबल और अगर स्पीड पहले से डबल कर दी जाए तो आपको पता है इंड्यूस्ड इंड्यूसड जिसे हम मोशनल भी पढ़ा है वो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दिस करंट स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आएगा दिस मीन डेट हमारे पास अब करंट की वैल्यूज भी पहले से क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा मैं डेल्टा ऑप्शन पढ़ता हूं जी अपोजिट डायरेक्शन एज प्रीवियसली विद मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्लेक्शन डबल क्वेश्चन नंबर 87 है

तो आपको अच्छी तरह से पता है यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली चेंज कर रही है और अगर मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअसली चेंज कर रही हो तो ऑटोमेटिकली फ्लक्स भी क्या करेगा कंटिन्यूसली चेंज करेगा और अगर फ्लक्स चेंज कर गया तो इसमें ई एम एफ इंड्यूस्ड हो जाएगी और ये इंड्यूसमएफ किस को लीड करेगी करंट को तो डेट से इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन क्या होगी बोथ ए एंड बी करंट भी इंड्यूस्ड होगा और ई एम एफ भी इंड्यूस्ड होगी तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है डेल्टा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 88. एट अट्रेट कंडक्टर ऑफ लेंथ 4 मीटर मूव्स एट ऑफ 5 मीटर पर डिग्री विद द डायरेक्शन आपने बताया अभी ई एम एफ की वैल्यूज क्या होगी मोशनल ई एम एफ का फॉर्मूला लगेगा फॉर्मूला है इंडक्शन पॉइंट फाइव टेस्ला है लेंथ की वैल्यूज दी गई फोर मीटर है और साइन ऑफ 60 डिग्री आप इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं देखें फोर फाइव ट्वेंटी और ये पॉइंट फाइव फाइव बाई टेन लिखा जाएगा ये एक जीरो, इस कैंसिल हो गया टू फाइव कितने होते हैं टेन होते हैं और अगर मैं टेन को पॉइंट एट सिक्स सिक्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर क्या आ जाएगा डेट इज द एट पॉइंट सिक्स सिक्स वोल्ट तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है बीटा क्वेश्चन नंबर एटी नाइन है इफ द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्वाइल ऑफ हंड्रेड टर्न्स वेरीज एट द रेट ऑफ टू फोर्टी वेबर पर मिनट याद रखिएगा वेबर पर मिनट दिए गए द ईएमएफ कितनी ई एम एफ इंड्यूस्ड होगी तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है इंड्यूस्ड ई एम एफ इज एंड डेल फाइव बाई डेल टी कितने नंबर ऑफ टर्न दिए गए थे दैट इज हंड्रेड फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज कितना दिया गया 240 फोर्टी वेब पर मिनट अब इसे सबसे पहले तो सेकंड्स में कन्वर्ट करें 240 और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60 तो कैंसिल हुआ सिक्स फोर ट्वेंटी फोर और फोर को जब हम हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर हंड्रेड वोल्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन एंड द बीटा इज योर करेक्ट चॉइस नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर नाइनटी A magnetic field of induction for Tesla acts at right angle to a coil of area 200 cm square. With 400 turns and having a resistance of 50 ohm, the coil is removed at uniform rate from the field in 0.5 second. Removed करने का मतलब है अब जिस region में चला गया वहाँ पर magnetic field zero हो गया तो magnetic field में change आया. Then the EMF induced is हमारे पास कितनी EMF induced हो रही होगी? हमारे पास अब इंड्यूस इंड्यूसम का फॉर्मूला लिखा जाएगा एन डेल फाइव बाई डेल टी और यहां पर एन एज इट इज आ गया डेल फाइव की जगह हमने डेल बी एज ऑफ थीटा लगाया अगर एरिया के साथ मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री एंगल पर है तो वेक्टर एरिया के साथ क्या होगा जीरो डिग्री एंगल तो डेट से कॉज ऑफ जीरो यहां पर वन हो जाएगा मैंने मैंशन नहीं किया डिवाइडेड बाई डेल्टा टी होगा नंबर ऑफ टर्न फोर दिए गए मैग्नेटिक फील्ड फोर से जीरो हो गई शुरू में फोर टेस्ला थी जब रिमूव करके इस रीजन से बाहर निकले तो जीरो होगी हमारे पास एरिया की वैल्यू 200 हंड्रेड सेंटीमीटर स्केयर थी तो मैंने इसे मीटर स्केयर में कन्वर्ट किया डिवाइडेड मल्टीप्लाई तो हो होगा सिक्सटीन और ये टू से मल्टीप्लाई होगा थर्टी टू और थर्टी टू को हम किससे से डिवाइड कर रहे हैं पॉइंट फाइव से पॉइंट फाइव का मतलब फाइव बाय टेन और ये टेन ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डेट्स By कितना हो जाएगा 2 और 2 को जब मैं 32 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सिक्सटी फोर वोल्ट आ जाएगा तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है चार्ली क्वेश्चन है। रेक्टेंगुलर लूप ऑफ वायर मीटर याद रखिएगा रेक्टेंगुलर लूप है इस प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टू टेस्ला द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द लूप

अब यहां पर हमारे पास एक्सप्रेशन किसके बराबर निकला ये इससे कैंसिल हो गया इज ये डेज की माइनस वन है और ये प्लस टू तो फोर इन डेज की डे प्लस वन डेट इज फोर्टी वोल्ट करेक्ट तो ऑप्शन हमारे पास है डेल्टा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर नाइनटी टू अकॉर्डिंग टू फेडरडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने करेक्ट ऑप्शन ढूंढनी है कौन सी है ऑप्शन ए है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट तो लॉ ऑफ

बीटा ऑप्शन कैसे ठीक हुई क्योंकि इंड्यूस्ड जो है और अगर उसकी एवरेज वैल्यूज ले लें ले तो वो इसके बराबर आएगी और यही हमारे पास बीटा ऑप्शन में रिप्रेजेंटेशन दी गई तो अ अ करेक्ट ऑप्शन बीटा मानी जाएगी 93 क्वेश्चन है बार मैग्नेट इज मूव वर्टिकल कंडक्टिंग रिंग दैट इज सस्पेंडेड एट द एंड ऑफ अ व्हाट हैपेंस टू द रिंग ड्यूरिंग द टाइम व्हेन मैग्नेट स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम द रिंग आफ्टर पासिंग थ्रू इट आपसे क्वेश्चन ये दिया गया कि ये जो बार मैग्नेट है ना इसमें से पास करके इधर आ गया हम इसे कंटिन्यूसली मूव करवाते जा रहे थे ये डायरेक्शन ऑफ मोशन दी गई तो ये मूव करके ऑब्वियसली इसकी पोलैरिटी में तो कोई चेंज नहीं आया होगा जो ऐसे ही रहेगी और अब ये इससे वे जा रहा है अब लेंजेस लॉ का कॉन्सेप्ट जरा देहर में लेके आइएगा अगर बार मैग्नेट और क्वाइल कौन सा क्वाइल कंडक्टिंग क्वाइल उनके दरमियान डिस्टेंस कंटिन्यूअसली ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा हो तो फेसिंग साइड्स पर कौन से पोल्स बनते थे तो फेसिंग साइड्स पर बनने वाले पोल्स जो थे वो अपोजिट के थे दिस बार मैग्नेट का यहां पर कौन सा पोल बनेगा नॉर्थ ये नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे इसका मतलब है ये बार मैग्नेट इसकी साइड पर मूव कर रहा होगा तो करेक्ट ऑप्शन होगी अल्फा अल्फा ऑप्शन पढ़ रहा हूं जी अल्फा ऑप्शन है हमारे पास द रिंग विल मूव टुवर्ड्स द मैग्नेट क्वेश्चन नंबर है। अ अ लूप ऑफ़ वायर प्लेस इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड सडनली मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बिगन टू इंक्रीज याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना शुरू हो गई है मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही होगी तो फ्लक्स भी बढ़ रहा होगा अगर हमें लेंजेज लॉ अप्लाई करना है तो यहां पर केस पहले वाला लगेगा जब बार मैग्नेट किसकी साइड पर मूव करेगा टूवर्ड्स द क्वाइल उस वक्त फ्लक्स इंक्रीज होता था ऐसी सूरत में फैंटम बार मैग्नेट और बार मैग्नेट के आमने सामने वाले पोल्स फेसिंग साइड से पोल सेम हो जाते थे ये बात अपने ध्यान में रखनी है अच्छी तरह से वट इज द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस लूप में बता दें डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस होगी देखिएगा हमारे पास है क्या ये रीजन में आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई और आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर का कैसे पता लगा डॉट बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करवा दी जाए आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर का मतलब है इस इस डायरेक्शन में यहां पर 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 एरो हेड है तो आपकी सामने वाली साइड साइड साउथ पोल बना और इस पर कौन सा पोल बन रहा होगा नॉर्थ पोल बन रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाए फ्लक्स इंक्रीज कर जाए बार मैग्नेट और क्वाइल एक दूसरे के करीब आ रहे हो तो फेसिंग साइड्स पर बनने वाले पोल सेम हो जाते हैं दिस मीन्स डेट ये जो क्वाइल है जिस साइड से हम ऑब्जर्व कर रहे होंगे उस साइड पर बनने वाला पोल कौन सा होगा वो साउथ होगा साउथ के सामने साउथ पोल बन रहा होगा और अगर ऑब्जर्विंग साइड पर साउथ पोल बन जाए तो हमने पढ़ा हुआ है कि अब डायरेक्शन ऑफ द करंट क्या हो जाती है डेट इज द क्लॉकवाइज दिस मींस डेट इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी वो क्लॉकवाइज होगी तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगी एल्फा एल्फा ऑप्शन है जी क्लॉकवाइज नाइनटी क्वेश्चन है

अगर इनर्शिया बढ़ गया तो इसका मतलब है इसे आप पुल करना पहले से डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा तो डेट्स करेक्ट ऑप्शन होगी बीटा और मैं बीटा ऑप्शन एक बार पढ़ देता हूं बीटा ऑप्शन है जी इट इज डिफिकल्ट टू पुल इट क्वेश्चन नंबर 96 है द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इज ऑलवेज सो एज टू अपोज द चेंज विच कॉजेज द करंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक लॉ लिखा गया आपसे पूछा गया ये लॉ किसकी स्टेटमेंट है

coil connected with the galvanometer the further end of the coil act as a the, the further end of a coil keyword hai dekhe hamare paas ek bar magnet coil ki side par aa raha hai agar ye coil ki side par aayega to facing sides par kaun se poles banne chahiye same bar magnet के north pole के सामने इस phantom bar magnet का कौन सा pole बनेगा north ही बनेगा जबकि इस side पर कौन सा pole बनेगा south ऑब्जर्वेशन हम इस साइड से ले रहे हैं हमारे से फर्दर पॉइंट कौन सा होगा ये वाली साइड तो डेट साइड हमसे फर्दर साइड पर कौन सा पोल बन रहा होगा साउथ पोल तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगी रिंग इज प्लेस अराउंड द कोर ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेट शोन व्हेन की इज प्रेस द रिंग एक आपके पास असेंबली दी गई है आपने इस असेंबली में कुछ बातें डिस्क्राइब करनी है देखें आपसे यह कहा गया कि ये आपके पास एक सिलेंडर है इसके ऊपर एक छोटा सिलेंडर माउंट किया गया उसके ऊपर एक रिंग रख दिया गया है आपसे कहा गया अगर आप ये की को प्रेस कर दें अगर ये की को प्रेस करते हैं तो ऑब्वियसली इसमें करंट फ्लो करेगा करंट पॉजिटिव टर्मिनल से टूवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल फ्लो हो रहा होगा करंट यहां पर क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है क्यों इंक्रीज करेगा क्योंकि इनिशियली करंट क्या था जीरो फर्दर करंट जैसे ही स्विच ऑन किया तो करंट बढ़ना शुरू हो गया करंट इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ चुका होगा अब हम लॉ अप्लाई करेंगे देखें यहां पर हमारे पास नॉर्थ एंड साउथ पोल कैसे तय होंगे सोलिडाइड वाला राइट हैंड ग्रिप रूल लगाते हैं राइट हैंड में ग्रिप किया कर्ल ऑफ द फिंगर किस चीज को बता गई करंट को थम किस चीज को बताएगा नॉर्थ पोल को तो इसके अकॉर्डिंगली ये बनेगा नॉर्थ पोल जबकि ये क्या बन रहा होगा साउथ पोल इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा वो ऑब्वियसली इस रिंग में भी क्या हो जाएगा असोसिएट हो जाएगा अगर वो इस रिंग में असोसिएट हो गया तो ऑटोमेटिकली अब इस रिंग को भी कैसे बिहेव करना पड़ेगा फैंटम बार मैग्नेट के तौर पर और फैंटम बार मैग्नेट के तौर पर पोलैरिटी कैसे बनेगी फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है बार मैग्नेट और क्वाइल एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो फेसिंग साइड पर सेम पोल्स बनते हैं इसका मतलब है इस रिंग का ये वाला टर्मिनल कैसे बिहेव करेगा साउथ पोल के तौर पर और ऊपर वाला टर्मिनल कैसे बिहेव करेगा नॉर्थ पोल के तौर पर साउथ और साउथ पोल एक दूसरे को क्या करते हैं रिपेल करते हैं अगर ये रिपेल कर रहे होंगे तो ये रिंग किधर मूव कर जाएगा डेट मूव अपवर्ड या जंप अपवर्ड तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हुई चार्ली 98 क्वेश्चन की चार्ली ऑप्शन पढ़ रहा हूं जी चार्ली ऑप्शन है जंप्स अपवर्ड 99 क्वेश्चन है करंट कैरिंग वायर लाइज ऑन अरिजेंटल टेबलर लूप इज प्लेस नेक्स्ट टू द वायर द करंट इन वायर वे व डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इन द क्वाइल करंट जो है वो सडनली वेनिश हो गया है आपने बताना है लूप में करंट की डायरेक्शन क्या होगी करंट मैक्सिमम से जीरो हुआ इसका मतलब है चेंज इन करंट डिक्रीजिंग है फ्लक्स भी डिक्रीज कर रहा होगा अब देखिएगा ये हमारे पास एक केस था इसके सामने ये कंडक्टिंग लूप रखा हुआ है यहां पर हमारे पास इनिशियल करंट कुछ ना कुछ था जबकि फाइनल करंट जीरो हो गया तो चेंज इन करंट जो है वो डिक्रीजिंग होगा अगर चेंज इन करंट डिक्रीजिंग होगा तो हमारे पास लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंगली सिंपल सा केस बन रहा है लेंजेज लॉ के अकॉर्डिंगली इंडूस करंट हमेशा अपनी कॉज को अपोज करता है तो कॉज को अपोज कैसे करेगा करंट क्या कर रहा था डिक्रीज कर रहा था डिक्रीज कर करे तो इसे अपोज कैसे करेगा इसे बढ़ाएगा कैसे बढ़ाएगा इसी की डायरेक्शन में इंड्यूस करंट आ जाएगा और अगर इसी की डायरेक्शन में इंड्यूस करंट आ जाए तो आपको वादे तौर पर नजर आ रहा है अब यह कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी क्लॉकवाइज तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो गई अल्फा तो हमारे पास 99 क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन अल्फा मानी जाएगी जी 100 क्वेश्चन है एफिशिएंसी फॉर ट्रांसफार्मर इज अफेक्टेड बाय तो ऑफ फॉर ट्रांसफार्मर का हमने देखना है किस फैक्टर से इफेक्ट हो सकती है तो जितने भी पावर लॉसेज है, है तो ऑप्शन ए देखिएगा तय कर रहा होता है तो इससे ऑप्शन बीटा है रेजिस्टेंस ऑफ क्वाइल रेजिस्टेंस ऑफ क्वाइल से भी क्योंकि ये भी वन ऑफ द पावर लॉसेज बन सकते हैं ऑप्शन चार है इंसुलेशन बिटवीन द शीट्स

याद रखिएगा अच्छी तरह से आइडियल ट्रांसफार्मर में प्रॉपर फ्लक्स लिंकेज करना होता है और प्रॉपर फ्लक्स लिंकेज कब हो सकता है जब जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स प्राइमरी में हो उतना ही रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स सेकेंडरी में आना चाहिए दिस मींस डेट ये रेशो वन रेशो वन बनेगी तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगी एल्फा वन जीरो टू क्वेश्चन है टू कंस्ट्रक्ट अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाना है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब है वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी जो है वो लेस होने चाहिए एज कंपेयर टू द प्राइमरी दिस नंबर ऑफ अक्रॉस द सेकेंडरी भी लेस होने चाहिए नंबर ऑफ अक्रॉस द प्राइमरी तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो गई एल्फा अ ट्रांसफॉर्मर वर्क ऑन आपने बताना है कि ट्रांसफार्मर किस करंट पर वर्क कर सकता है ऑप्शन अल्फा है एसी ओनली ऑप्शन बीटा है डीसी ओनली ऑप्शन चाली है बोथ एसी एंड डीसी ऑप्शन डेल्टा है नॉन ऑफ दीज देखिएगा ट्रांसफार्मर में दोनों कॉइल्स के दरमियान कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं था ये मैग्नेटिकली लिंक थी मैग्नेटिकली लिंक कब हो सकती हैं जब फ्लक्स का चेंज प्राइमरी में जो है वो ईएमएफ को इंड्यूस करे सेकेंडरी में तो फ्लक्स का चेंज आना जरूरी हुआ डीसी में फ्लक्स का चेंज नहीं आ सकता बिकॉज कॉन्स्टेंट करंट था तो डेट्स ट्रांसफार्मर नाम का जो डिवाइस होगा वो एसी के लिए से वर्क कर रहा होता है तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है एल्फा क्वेश्चन नंबर वन जीरो फोर है द पावर इनपुट टू अ मेन ट्रांसफार्मर इज हंड्रेड वॉट इफ द प्राइमरी करंट इज फाइव एम्पेयर द सेकेंडरी वोल्टेज इज टेन वोल्ट एंड अज्यूमिंग नो लॉसेज इन ट्रांसफार्मर द दर्स रेशियो ऑफ द प्राइमरी टू सेकेंडरी इज आपने प्राइमरी की सेकेंडरी से टर्न रेशियो बतानी है ये याद रखिएगा टर्न रेशियो से फौरी तौर पर अपने तौर पर कंक्लूड नहीं कर लेना कि एन एस ओवर एन पी बताना है कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन है एन ओवर एन बताना है देखे डेटा क्या है हमारे पास पावर इनपुट क्या होती है आईपी वीपी के तो वीपी क्या हो जाएगा पावर इनपुट डिवाइडेड बाय आईपी 100 ओवर 5 तो ये 20 वोल्ट्स निकला है ये हमारे पास मिसिंग था हमने कैलकुलेट कर लिया वीएस ओवर वीपी क्या होगा एनएस ओवर एनपी के तो एनएस ओवर एनपी क्या हो गया वीएस की वैल्यूज 10 थी वीपी की वैल्यूज 20 कैलकुलेट की तो ये वन बाय हो गया तो अब ये गलती नहीं करनी कि किन बाई टू आंसर होगा हमें बताना था एनपी एन एस क्या होगा तो एनपी ओवर एन एस क्या निकलेगा डेल्टा तो अच्छा जी वन जीरो फोर क्वेश्चन में एक और भी बात बतानी थी कि ये हमारे पास कौन सा ट्रांसफार्मर होगा तो बात क्लियर है किसके टर्न्स आपको ज्यादा नजर आ रहे हैं प्राइमरी के किसके टर्न्स कम हैं सेकेंडरी के इसका मतलब है वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी भी कम होगा वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी से तो बात क्लियर हो गई ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी होगा क्वेश्चन नंबर वन जीरो फाइव है इन अ ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी क्वाइल एंड सेकेंडरी क्वाइल्स आर ट्वेंटी एंड फिफ्टीन रिस्पेक्टिवली प्राइमरी एंड सेकेंडरी ये बात याद रखनी है इफ

और अगर मैं इसे फाइव से डिवाइड कर दूं तो ये फोर रेशो थ्री हो जाएगी तो फोर रेशो थ्री को विच इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर में कौन सी क्वांटिटी डिक्रीज कर सकती है देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी प्राइमरी से ज्यादा होगा नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस द सेकेंडरी भी प्राइमरी से ज्यादा होंगे पावर ऑफ आउटपुट

जीरो से जीरो कैंसिल हो गया तो फोर्टीन मल्टीप्लाई बाई टू क्या होंगे, 28, 14 2 क्या होंगे? 28 और दो बाकी बचे हुए थे तो ये ऑलमोस्ट थ्री एट के करीब आंसर निकलेगा तो आप इस तरह से अपना गैस वर्क करेंगे तो तकरीबन थ्री टेन अब हम हाँ इक्वेशन लिखते हैं वोल्टेज इंस्टेंटेनियस किसके बराबर होती है पीक वोल्टेज साइन ऑफ टू पाए थ्री टेन हो गया साइन ऑफ टू पाई फ्रीक्वेंसी फिफ्टी थी तो 50 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 100 पाई टी निकल आएगा तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी एंड दिस वन इज द बीटा ऑप्शन 109 क्वेश्चन है द एवरेज वैल्यू ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज एवरेज वैल्यू ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट जब हम एवरेज वैल्यूज लेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट की कंप्लीट साइकिल के लिए तो डेट मस्ट बी जीरो सिमिलरली एवरेज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज भी कंप्लीट साइकिल के लिए एसी के लिए जीरो ही कहलाती है तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगी, डेल्टा। वन टेन क्वेश्चन से क्लियर है कोई ऑल्टरनेट नहीं कर रहा तो यही इसकी आरएमएस एम वैल्यूज कहलाएगी यही इसकी इफेक्टिव वैल्यू कहलाएगी तो अगर कांस्टेंट करंट होगा तो यही वैल्यूज हमारे पास क्या कहलाती है या ampere ही, तो करेक्ट ऑप्शन करंट इन द प्राइमरी आर टू हंड्रेड वोल्ट एंड टू एम्पेयर एंड दो इन द सेकेंडरी आर टू हंड्रेड वोल्ट एंड आई एम्पेयर द वैल्यू ऑफ द आई इज एक आइडियल ट्रांसफार्मर दिया गया आपने आई की वैल्यूज बतानी है क्या होगी देखें हमारे पास रिलेशन क्या होगा वी एस ओवर वीपी ये इनवर्स रिलेशन होगा करंट से तो आई पी ओवर आई एस हमारे पास वी एस की वैल्यूज दी गई टू थाउजेंड वीपी की वैल्यूज दी गई टू हंड्रेड तो इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, तो ये टेन निकल आएगा तो वी एस ओवर वीपी की जगह हमने टेन बाय वन लिखा आईपी टू एमपेयर दिया गया था आई एस कैलकुलेट करना था इसका मतलब है जो आई एस होगा वो किसके बराबर आ जाएगा टू बाय टेन के तो आंसर हमारे पास क्या निकल आएगा पॉइंट टू एम्पियर तो दिस वन इज द एल्फा करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज लेमेटेड टू रिड्यूस अगर हम कोर ऑफ ट्रांसफार्मर को लेमिनेट करते हैं तो ऑब्वियसली करंट को रिड्यूस करने के लिए यूज किया गया होता है तो करेक्ट ऑप्शन ढूंढते हैं कॉपर लॉसेस मैग्नेटिक लॉसेस एडी करंट लॉसेस या हिस्टर लॉसेस। तो कौन सी ऑप्शन ठीक हो गई करंट लॉसेस और ये कौन सी ऑप्शन होगी दैट इज द चार्ली करंट लॉसेस लेमिनेटेड कोर करने का मतलब ही यही होता है कि हम एडिक्रंट लॉसेस को रिमूव करना चाह रहे हैं हमारे पास फ्लक्स की वैल्यूज क्या होगी बी ए अगर एक क्वाइल है और अगर एन नंबर ऑफ क्वाइल होती तो आप इसे क्या लिखते हैं एन बी ए आपसे कहा गया इसे डबल कर दें और इसे हाफ कर दें अब नया फ्लक्स क्या हो जाएगा दू एन बी

देखिए आपको क्लियरली नजर आ रहा है बी और ए में जीरो डिग्री एंगल बन रहा है बिकॉज बोथ आर द पैरेलल तो ऑफ होता है कितने दिए गए थे टेन बी है ये ए दिया गया ये कॉज ऑफ जीरो है तो हमारे पास आंसर टेन इंटू बी ए आ जाएगा इतना फ्लक्स इसके साथ लिंक कर रहा होगा तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी चार्ली वन वन फाइव क्वेश्चन है फॉर विच वैल्यू ऑफ द एल्फा बिटवीन द प्लेन एरिया ऑफ अ क्वाइल एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर द फ्लक्स रिड्यूसेस टू टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू देखें क्वेश्चन पूछा गया फॉर वैल्यू ऑफ द एल्फा और एल्फा एंगल हमेशा प्लेन ऑफ द एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान होता है तो ये बात अच्छी तरह से जहन में रखिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फाइव बी ऑफ थीटा होगा ये हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स होता है इसकी जगह पर हमने मैक्सिमम फ्लक्स लगाया कंडीशन ऑफ़ द क्वेश्चन है हाफ ऑफ द मैक्सिमम फ्लक्स अचीव हुआ यहाँ पर एंगल बताना है तो आपको नजर आ रहा है बताना एल्फा था एल्फा और थीटा का रिलेशन क्या होता है एल्फा अगर कैलकुलेट करना है तो आपको नाइनटी माइनस थीटा करना पड़ेगा तो डेट इज थर्टी डिग्री एक्चुअली थीटा कौन सा एंगल है वो एंगल जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एरिया के साथ बना रही है अल्फा कौन सा एंगल है वो एंगल जो मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ द एरिया के साथ बना रही है तो डेट्स है इस वक्त हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी थर्टी डिग्री एंड डेट ऑप्शन इज द एल्फा ये था जी टेस्ट नंबर सेवन कल इनशा इसी यूनिट का टेस्ट नंबर एट डिस्कस करेंगे अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज